हेलो फ्रेंड्स, गेट क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल वाइब्रेशन। इसका कुछ एक पार्ट रिमेनिंग बचा हुआ था, उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। उसमें अपन देखे थे फर्स्ट, जैसे उसमें अपना बचा हुआ था लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन और टॉर्सनल वाइब्रेशन के बारे में बताने के लिए, उसी को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि कम्प्लीट वीडियो देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन क्या है। इसको आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद सिंपली इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो देखेंगे। ये सपोज एक रॉड है, शाफ्ट है, उसमें डिस्क लगा हुआ है। तो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं डिस्क और शाफ्ट वाइब्रेट पैरेलल टू द एक्सिस इज नॉन एज लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। डिस्क और शाफ्ट वाइब्रेट या मूव पैरेलल टू द एक्सिस। इसको मीन्स कहने का मतलब, जो एक शाफ्ट का जो एक्सिस होगा उसके पैरेलल में अगर ये अब मूव करेगा, अपवर्ड डाउन या वाइब्रेट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। तो इसके कारण क्या होगा, इसमें टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, तो उसको अपन लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन बोलेंगे। इसमें जैसे ये अप डाउन करेगा वाइब्रेट, इसमें क्या होगा, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के कारण। इसके बाद देखते हैं हम ट्रांसवर्स वाइब्रेशन क्या है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाइब्रेशन का टाइप, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में इसको समझने के लिए सबसे पहले सेम डायग्राम इसमें भी बना लेना, क्या होगा, एक वन साइड फिक्स रहेगा, अदर साइड फ्री रहेगा। इसी तरह हैंगिंग टाइप का आपको शाफ्ट बना लेना, उसमें डिस्क ऐड कर देना। देखो ये आपका हो गया शाफ्ट का एक्सिस। इसमें क्या होगा, ये इसमें कि पहले क्या हो रहा था लॉन्गिट्यूडनल में, क्या होता है एक्सिस के मतलब पैरेलल वाइब्रेट कर रहा था अपवर्ड डाउन। इसमें क्या होगा एक्सिस के परपेंडिकुलर अपन मूव करेगा। जैसे ये हो गया आपका, ये इस टाइप का हो जाएगा आपका, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा, इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। तो इसके कारण क्या होगा, इसमें इसमें शाफ्ट में क्या होगा, बेंड होगा, जिसके कारण इसमें बेंडिंग स्ट्रेस होगा। इसमें सिंपली याद रखना है आपको, शाफ्ट क्या करेगा मूव परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, शाफ्ट और डिस्क मूव परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट इज नॉन एज ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ द शाफ्ट। बस ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में इतना ही था और कुछ नहीं, जिसके कारण क्या होगा अपना बेंडिंग स्ट्रेस, ये क्या होगा शाफ्ट में बेंड आएगा, तो इसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस इसमें डेवलप हुआ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के कारण। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में बस इतना ही याद रखना। अब देखेंगे टॉर्सनल वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन का लास्ट टाइप था। तो इसके बारे में देखो, इसको समझने के लिए बस सिंपली वही डायग्राम फिर से आपको बनाना है, वन इंड शाफ्ट का फिक्स कर देना है। अगर इसमें देखो क्या होगा, डिस्क लगा दीजिए, इसमें क्या होगा, ट्विस्ट होगा, जो टॉर्सनल वाइब्रेशन जिसके कारण ट्विस्टिंग के कारण होता है, ये जब शाफ्ट में ट्विस्ट आएगा
इसके कारण, तो इसको अपन टॉर्सनल वाइब्रेशन बोलते हैं। इसको आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो, व्हेन द शाफ्ट और डिस्क मूव सर्कुलर अबाउट द एक्सिस। इसमें क्या होगा, एक्सिस के क्या होगा, ये सर्कुलर मूव करेगा, एक्सिस के जैसे ये सर्कुलर ऐसे मूव करेगा ये शाफ्ट में से, तो इसके कारण अपन इसको क्या बोलेंगे, टॉर्सनल वाइब्रेशन। इसमें आप लिख सकते हैं, इसको डिफाइन करते हैं शाफ्ट और डिस्क मूव मूव सर्कुलर टू द एक्सिस इज नोन एज टॉर्सनल वाइब्रेशन। बस इतना ही था इसमें वाइब्रेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें।